In the jungle, mighty jungle, lion sleep tonight. लेकिन आज की जो वीडियो है वो शेरों के बारे में नहीं है, गधों के बारे में है. So let us introduce you to the great wild Tibetan ass. Tibetan wild ass को लोकल लद्दाखी भाषा या टिबेटन भाषा में कियांग या गोकर बोला जाता है. As a species, kyangs are generally shy and they don't interact well with humans, and that might be the reason that though they cohabit with human settlement, they could never be domesticated. YouTube में भी आपको बहुत कम कियांग के वीडियोस मिलेंगे. अगर वो वीडियोस आपको मिलेंगे भी तो वो शायद से एक या दो मिनट लंबा वीडियो मिलेगा, उससे ऊपर आपको मिलेगा नहीं. मेन रीज़न इज़ दैट, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हम जब समर में घूमने गए थे लद्दाख तो हमें इक्के दुक्के कियांग्स मिले थे, वो भी बहुत दूर खड़े थे, तो आप अच्छे से वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हो. बट इस समय जब हम लोग विंटर में लद्दाख घूमने गए थे और प्रिसाइसली जब हम लोग हनले के बहुत आसपास पहुंच गए थे कि 20-25 किलोमीटर दूर हनले से, तो वहाँ पर हमें बहुत सारे कियांग के झुंड दिखे थे. तो ये इसलिए होगा कि हनले एनीवेज इज लेस ट्रेवल्ड और विंटर में तो हार्डली एनीवन ट्रेवल्स टू दोस पार्ट ऑफ लद्दाख. तो हमें बहुत सारा कियांग दिखे थे, मतलब जैसे गाय भैंस घूमते रहते हैं वैसे ही हमें कियांग दिखे थे वहाँ पे. जो गधों की स्पीशीज ग्लोबली मिलता है उसमें से कियांग वुड बी द लार्जेस्ट स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एस. एक मेल कियांग का वेट कुछ 350 से 400 किलो के आसपास होता है और जो फीमेल कियांग है उसकी वेट कुछ 250 से 300 किलो के आसपास है. तो आपको इससे अंदाज़ा लग जाता है कि हाउ बिग दे आर. जो बड़े साइज की खच्चर है कियांग इज ऑलमोस्ट एज बिग एज दोज लार्ज पॉनीज. ऑलमोस्ट जो छोटे वाले घोड़े हैं उसके आसपास की साइज की है. कियांग्स आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट थ्रू आउट द टिबेटन प्लेटो, जहाँ पे साउथ में हिमालयज आ जाता है और नॉर्थ में चाइना के अंदर कुनलुन जो माउंटेन से वो आ जाता है. दिस एक्चुअली रिस्ट्रिक्ट्स देम ऑलमोस्ट एंटायरली विद इन चाइना, बट लद्दाख में और सिक्किम के जो रीजन है वहाँ पे भी कुछ 2,500 से 3,000 कियांग अभी आपको मिल जाते हैं. कभी कभी नेपाल में भी आपको कियांग दिख जाते हैं. लेकिन अगर आपको सही में कियांग देखना है तो आपको लद्दाख ही आना पड़ेगा, और लद्दाख में आप हेनले के आसपास अगर पहुंचते हो तो आपको बहुत सारे कियांग दिख जाएंगे. वैसे सोमुरीरी जाकर के आसपास भी कियांग दिख जाते हैं, बट नॉट इन सच अ लार्ज नंबर. इस बार लद्दाख में वी लव्ड सीइंग loads of kiang. Now kiang के बारे में हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न जगे. ज़्यादातर प्रश्नों के हमें कोई जवाब नहीं मिला. हमने गूगल सर्च किया, सेकेंडरी रिसर्च भी किया है, लोकल लोगों से पूछा भी है, लेकिन कोई ढंग का जवाब हमें मिला नहीं. अगर कोई kiang विशेषज्ञ है या किसी को kiang के बारे में और कुछ जानकारी है तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में लिखे. One of the question is such that though kiangs live so near to human settlement, but why kiangs could not be domesticated? Dusra question hai ke kiang sardi mein rehta kahan pe hai, jahan pe -30 -35 degree temperature ho jata hai, aur kiang is not a furry animal, to bahut zyada woolly animal nahi hai wo, to kiang kaise rehta hai, wo ke khule mein sota hai ya kisi gufa ke andar jaake sota hai, ये और एक प्रश्न हमारे दिमाग में आया था. तीसरा जो क्वेश्चन है कि हमें काफ़ी सारा कियांग दिखा, कुछ झुंड में थे कुछ अकेले थे, तो कियांग क्या झुंड में रहना पसंद करता है या अकेले रहना पसंद करता है? अगर कोई कियांग अकेले रहता है तो क्यों अकेले रहता है? तो ऐसे कुछ प्रश्न हमारे दिमाग में आए थे जिसका हमें कोई जवाब नहीं मिला. तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में हमें आपकी जवाब बताएं, और ये वीडियो कैसा लगा वो भी हमें बताएं.